बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ मोहम्मद आरिफ और आप लोगों को मेरे चैनल मिस्टर आरिफ बाबा में खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हम एक RDP क्रिएट करेंगे जिसको आप लोग मोबाइल में यूज़ कर सकोगे। तो इसके लिए मैं अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और सर्च बार में मैंने टाइप करना है GitHub। ये एक वेबसाइट है, तो इसमें हमारे पास जो पहले वाला ऑप्शन है GitHub, ये वेबसाइट का नाम है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। और ये इसका मेन पेज है, तो साइन अप फॉर GitHub नीचे भी हमारे पास ऑप्शन है और ऊपर में भी हमारे पास एक ऑप्शन है साइन अप का, तो मैं साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। और इसमें हमने एक जीमेल अकाउंट के थ्रू अकाउंट बनानी है, तो आप लोग के पास एक जीमेल हो तो मैं अपना एक जीमेल टाइप कर लेता हूँ। और नीचे हमारे पास कंटिन्यू का ऑप्शन ग्रीन हो चुका है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। और क्रिएट अ पासवर्ड, तो अपने मर्ज़ी का आप लोग भी कोई पासवर्ड चूज़ कर ले। तो ये मैंने पासवर्ड चूज़ कर लिया है और मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। एंटर अ यूज़र नेम, तो कोई भी एक यूज़र नेम आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। और नीचे हमारे पास ऑप्शन आ चुका है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा कंटिन्यू के ऊपर। ये हमें कह रहा है वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट एंड अनाउंसमेंट वाया ईमेल, टाइप वाई फॉर येस एंड एन फॉर नो। तो ये कह रहा है कि हमारा कोई प्रमोशन वगैरह लगता है तो उसकी ईमेल आप लोग को आनी चाहिए, तो हम कहते हैं नहीं, तो मैं एन टाइप करूँगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। इसके बाद स्टार्ट फजल, ये एक छोटा सा गेम है, हमने इसको स्टार्ट कर देना है। और इसमें जो क्लियर पिक्चर है हमारे पास, तो उसको हमने सेलेक्ट करना है, तो ये वाला क्लियर है। इसके बाद इसमें ये वाला क्लियर है और ये सेंटर वाला और ये वाला। और नीचे हमारे पास ऑप्शन आ चुका है क्रिएट अकाउंट का, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो मेरे ईमेल पे 6 डिजिट का कोड आ चुका होगा, मैं उसको चेक कर लेता हूँ। तो ये ईमेल मुझे आ चुका है और उसमें ये कोड अवेलेबल है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ। एंटर कोड, ये ऑप्शन आया है हमारे पास, तो मैं पेस्ट कर लेता हूँ इनको। तो हमारा अकाउंट अभी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो ये है, इसको मैं स्किप कर लेता हूँ। और स्क्रीन पे आप लोग को नज़र आ रहा है कि हमारा अकाउंट क्रिएट हो रहा है, तो डैशबोर्ड रेडी हो रहा है और हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो इसको अभी मैं डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो राइट साइड में ऊपर में हमारे पास 3 डॉट है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं और इसमें नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है डेस्कटॉप साइड, इसके ऊपर मैं टिक कर लेता हूं। तो ये हमारे पास आ चुका है। नीचे हमारे पास स्किप का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये दोबारा से डैशबोर्ड हमारा रेडी हो रहा है। तो ये हमारा जो अकाउंट का मेन पेज है, और राइट साइड में ऊपर अगर आप लोग इस दर चेक कर लो, तो इसमें हमारे पास बहुत से ऑप्शन है, योर प्रोफाइल, योर रिपोजिटरी, इस तरह साइन आउट का, तो इसको हम रहने देते हैं। और लेफ्ट साइड में हमारे पास एक सर्च बार है, तो इसमें भी हमने टाइप कर देना है विंडोज सर्वर RDP। और इसके हम सामने एक ऑप्शन है ऑल GitHub, तो इसके मैं इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। और ये हमारे पास बहुत से ऑप्शन है, रिपोजिटरी है, तो इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि इसमें से आप लोगों ने कौन से सेलेक्ट करने हैं, ये वाला माई फ्री RDP।
RDP विंडोज सर्वर, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इधर हमारे पास नीचे कोड आ चुका है NGROG, इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, आप लोगों ने भी ये कॉपी कर देना है, ये मैंने कॉपी कर लिया। और अब राइट साइड में ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन है फोर्क का, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और इधर हमारे पास ये सेटिंग का ऑप्शन आ चुका है, तो फोर्क के साथ में अब नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो फोर्क के नीचे हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन आ चुका है, ये आप लोग देख रहे हो, तो अभी इसके ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। और लेफ़्ट साइड में हमारे पास एक बहुत से ऑप्शन हैं, तो इसमें नीचे की साइड से तीसरा ऑप्शन सिगरेट, तो इसके ऑप्शन पे ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। और इसके बाद राइट साइड में हमारे पास एक न्यू रिपोजिटरी सिगरेट का ऑप्शन आ चुका है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। और जो कोड मैंने कॉपी किया था तो मैं उधर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और अभी नीचे वैल्यू में हमारे पास एक कोड चाहिए, तो इसके लिए मैं एक न्यू टैब को ओपन कर लेता हूँ और एक वेबसाइट है तो ngrok.com, तो इसको मैं सर्च कर लेता हूँ ngrok, ये फर्स्ट वाला हमारे पास ये ऑप्शन है ngrok का, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। और ये सेंटर में हमारे पास गेट स्टार्टेड फॉर्म फॉर फ्री, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसमें अभी हमें लॉगिन होना है, तो मैं साइन अप विद गूगल, तो गूगल के थ्रू मैंने इधर साइन अप होना है। और मैं एक जीमेल अकाउंट के थ्रू इधर लॉगिन होऊंगा। और नीचे हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, इधर पासवर्ड टाइप करूंगा। इधर हमें एक कोड की ज़रूरत है जो कि हमने NGRO के वेबसाइट से कॉपी करना है, तो यह वेबसाइट ओपन हो चुका है। इसमें लेफ्ट साइड में हमारे पास योर आर टोकन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। और सेंटर में हमारे पास एक कोड आ चुका है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसके सामने एक कॉपी का ऑप्शन है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और ये हमारा कॉपी हो गया। तो अभी मैं दूसरे पेज पर चला जाता हूँ और ये वैल्यू का जो आना है इसमें मैंने इसको पेस्ट करना है, तो मैं उंगली दबा के इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और नीचे हमारे पास एड सिगरेट का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास सेंटर में एक और ऑप्शन है एक्शन का, तो ये आप लोगों को देख रहे हो एक्शन का, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। और इधर से मैं आई अंडरस्टैंड माई वर्क फ्लो, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद लेफ़्ट साइड में हमारे पास सेलेक्ट वर्क फ्लो ये ऑप्शन है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और इसमें नीचे हमारे पास फ्री RDP का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद राइट साइड में हमारे पास रन वर्क फ्लो का ऑप्शन आ चुका है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये ग्रीन बटन वाला रन वर्क फ्लो पर मैं क्लिक करूँगा। तो हम थोड़ा सब्र कर लेते हैं, हमारे पास फ्री RDP का ऑप्शन अभी आ जाएगा, नहीं तो हमने रिफ़्रेश कर देना है। और हमारे पास ऑप्शन आ चुका है, आप लोग देख रहे हो, इसके ऊपर अभी मैंने क्लिक कर देना है। और इसके बाद हमारे पास सेंटर में एक बिल्ड का ऑप्शन आ चुका है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा बिल्ड के ऊपर, और ये हमारा जो RDP है वो क्रिएट होना शुरू हो चुका है, तो ये थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, तो इसके लिए हमने वेट करना है। तो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो कि ये प्रोसेस हमारा रनिंग में है, कनेक्ट योर NGROG अकाउंट, तो हमने अभी थोड़ा बस वेट करना है, तो ये प्रोसेस अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो प्रोसेस रनिंग पोजीशन में है,
तो कनेक्टिंग टू योर RDP, तो अभी हमें कोड वगैरह, IP एड्रेस, यूज़र नेम और पासवर्ड हमें मिल जाएगा, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हो, सक्सेसफुल IP एड्रेस हमारा ये है जो नंबर है, और इसके नीचे यूज़र नेम और पासवर्ड हमें मिल चुका है। तो अब मैंने क्या करना है, ये बंद हो चुका है, तो ऊपर कनेक्ट योर RDP इसके साथ वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। ये डिटेल है हमारे पास, तो मैं IP एड्रेस को इधर से कॉपी कर लेता हूँ। ये 0 से ये हैं और लास्ट नंबर तक, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर से मैं प्ले स्टोर में चला जाता हूँ और इधर से सॉफ्टवेयर है, आप लोगों ने इसको कॉपी कर देना है। क्लाइंट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ये वाला, ठीक है, PC क्लाइंट, तो आप लोगों ने ये इधर डाउनलोड कर देना है, PC क्लाइंट ये वाला, तो आप लोगों ने ये डाउनलोड कर देना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और ये प्लस वाला निशान है राइट साइड पे, एड PC, इसमें ये ऑप्शन है, और ऊपर वाला PC नेम, इस पर मैं अपना IP एड्रेस पेस्ट कर लेता हूँ। और राइट साइड में हमारे पास सेव का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसका यूज़र नेम, तो यूज़र नेम से पहले मैं पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये पासवर्ड मैंने कॉपी कर लिया और इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो अभी ये इधर मैं पासवर्ड को टाइप कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, और दोबारा मैं इधर से यूज़र नेम को कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यूज़र नेम टाइप कर लेता हूँ और कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और इधर से मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। तो आप लोग देख रहे हो कि इंशाल्लाह हमारा RDP अभी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा RDP है और आप अभी इसको बआसानी यूज़ कर सकते हो। इसमें क्रोम और फायरफॉक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको आप यूज़ कर सकते हो।